अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज हसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसनोलॉजी फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। और भाई आप आज जो है वो आपको व्लॉग स्टाइल वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलने वाली, क्योंकि आज हम अपडेट करेंगे भाई आपको LEDs के स्टॉक से रिलेटेड और प्राइजेस के स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है भाई, क्योंकि प्राइजेस बढ़ गई हैं, लेकिन अभी आपके भाई के पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जो आपको अच्छी प्राइस के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो में पूरा साथ रहना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप LED लेना चाहते हो तो किसी के पास अगर पुराना स्टॉक हुआ तो वहाँ से ही आपको अच्छे रेट पर मिलेगी, वरना प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो LED के स्टॉक की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके लिए कौन कौन सी LED आई है, कौन सी आपको बाय करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली LED की तरफ, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और भाई वो है ये, आप लोग चेक कर लो, बेजल लेस LED। ये 27 इंच के अंदर आती है, ASUS, HP और इसमें टिपिकल मॉडल्स जो आते हैं डेल, HP, इन सब के अंदर ये आएगी। 27 इंच वाली जो LED है वो आपको 30 से 35 के राउंड अबाउट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। पहले की बात करें तो ये 28-29 हज़ार रुपये की मिल जाती थी, अभी इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और बेजललेस LED के स्टॉक की बात करूँ तो यार अब वो ख़त्म हो गया, हमारे पास बेजललेस LED आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आई उस हिसाब से जो रेट होगा बेजललेस LED का, वो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। तो यार अब चलते हैं हम लोग ये 17 इंच की LED की तरफ। और हमारे पास जो आएंगी वो सारी LCD नहीं होंगी, LED होंगी। तो पहले जो हम कस्टमर को 17 इंच की LED देते थे, वो देते थे भाई 3500 रुपये की, और कंसेशन वगैरह करके 3200-3300 तक हम लोग इसको कस्टमर को दे देते थे। लेकिन अब जो स्टॉक आया है वो हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपये की, क्योंकि रेट इनके बढ़ गए हैं। इसी तरह अगर बात कर लें 19 इंच की LED, तो भाई 19 इंच की जो पुराने स्टॉक में हमारे पास LEDs पड़ी हुई हैं, कुछ ही LED रह गई हैं, वो हम लोग देंगे आप लोगों को 5500 रुपये की। लेकिन अब जो आया है उसका रेट ज़्यादा है, तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ LEDs मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये ना हो कि आप देर से आओ। प्राइसेस बताने का मकसद ये है कि यार अभी पड़ी हुई हैं तो ये रेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ टाइम के बाद आओगे और वो LED नहीं होती तो फिर आप कहोगे असल भाई आपने ये रेट बताया था, तो यार वो रेट अभी का है। सामान जो आया है वो भी पड़ा हुआ है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये नीचे सारा सामान LEDs का पड़ा हुआ है और इनकी प्राइजेस हमें इनसे ज़्यादा पड़ी है। भाई हम लोगों ने इनको ओपन इसीलिए किया कि पहले ये वाली हम लोग पूरी सेल कर दें, इसके बाद ये वाली ओपन करें, क्योंकि इनकी प्राइस हमें ज़्यादा देखने के लिए मिली है। उसके अलावा अगर LED की बात कर लूँ भाई, तो आती है हमारे पास ये 19 इंच में वाइड के अंदर, ये वाइड है और ये बनती वैसे 20 इंच है लेकिन हम 19 में ही काउंट करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी 6500 रुपीज़ की। इसी तरह HP के अंदर आपको ये वाली LED ऊपर देखने के लिए मिल रही है सिल्वर वाली, इसकी भी प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगी 5500 रुपीज़। लेकिन जो अभी का स्टॉक आया उसमें आपको मिलेगी 6 इंच, प्राइस ज़्यादा मिल जाएगी। फिर 22 इंच की LED आती है, आपको मिलेगी 8000 रुपये की, और 24 इंच की जो LEDs पड़ी हैं हमारे पास, जो आपको मिलेंगी 10000 रुपये की। ये मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो इसके रेट आए हैं वो ज़ाहिर है ज़्यादा हैं, तो फिर उस हिसाब से आप लोगों को मैंने कहा पहले बता दूँ कि LED जो है वो इस प्राइस के अंदर अभी आ रही है। तो अगर आप लोग LED बाय करना चाहते हो तो देर ना करो, अभी आ जाओ और LED को बाय कर लो। तो वैसे तो मैंने आपको LED की प्राइजेस के बारे में बता दी है, इनमें कंसेशन की जानक बात करूँ भी, वो फिर कस्टमर आता है उस हिसाब से हम लोग डील करते हैं। लेकिन अब मैं अगर बात कर लूँ आपको जो नया स्टॉक आया है उसकी प्राइस से रिलेटेड, कि नया स्टॉक का क्या हिसाब है। नया स्टॉक का मैंने आपको बताया कि 17 इंच की LED आपको मिलेगी 4500 रुपये की, 19 इंच की मिलेगी आपको 6500 रुपये की, और रेट अभी उसमें भी कन्फर्म नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक बिल खोल के नहीं देखा, फिर जो हुआ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन जो पुरानी LED हैं, हमारा यही हिसाब है कि हम पुरानी LEDs को नए के रेट पे नहीं बेचते, अगर पुरानी का जो रेट हमें पड़ा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग कस्टमर को सेल कर देते हैं, फिर यहाँ पर नया स्टॉक जो है वो ला के रखते हैं। उसके अलावा अगर बात कर लें यार, अभी कुछ स्टॉक गेमिंग केसेस का भी पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये गेमिंग केसेस का भी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये भी वही प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगी। एक ये भी पड़ा हुआ है हमारे पास, ये तो हो सकता है आज चला जाए, तो जब ये तैयार करूंगा तो इसकी वीडियो आप लोगों को दिखा दूंगा। तो गेमिंग केस जो है वो भी आप लोगों को जो हमारे पास पड़े हुए हैं और पुराने प्राइसेस के ऊपर है, वो आप लोगों को पुरानी प्राइसेस पर ही मिलेंगे। न्यू की प्राइसेस जो है वो आपको पता है फिर इनमें 1000-2000 रुपया ज़्यादा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जिस प्राइस पे हमने पुराना रेट रखा था वही प्राइस पे आप लोगों को दे दूं। CPU की अगर स्टॉक की बात की जाए तो यार वो CPU का स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, i5 सेकंड, 3rd, 4, i3 सेकंड, 3rd, 4। तो प्राइसेस की बात करूं
i3 सेकंड हो गया, अगर आप बॉक्स लेना चाहते हो वो भी आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी। प्राइस अगर आप लोग जानना चाहते हो मुझे इंस्टा के ऊपर मैसेज कर सकते हो। तो डेल और डेल का भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, प्राइजेज आपको बहुत कम देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर बात कर ले जाए कस्टमाइज पीसी के बोर्ड्स की, उसमें थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, H61, H81, उसके अलावा अगर बात कर ली जाए सप्लाइयों की, 500 वाट, 650 वाट, 700 वाट तक पड़ी हुई है। और बोर्ड्स के अंदर हमारे पास 6 और 7 जेन के भी बोर्ड पड़े हैं, जिसमें 4 स्लॉट वाले भी बोर्ड हमारे पास पड़े हुए हैं। अब अगर बात कर लीजिए जीपीयू के बारे में, तो यार जीपीयू भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। 1 GB लो प्रोफाइल से लेकर आपको 8 GB के हाई प्रोफाइल तक कार्ड जो है वो मिल जाएंगे। अभी हम लोग नया स्टॉक इसीलिए नहीं ला रहे कि पहले पुराना वाला स्टॉक जो है वो हमारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो नया स्टॉक है वो यहाँ पर लाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग को ये एडवांटेज है कि अगर आप लोग जीपीयू भी बाय करना चाहते हो तो यार वो भी आपको पुराने रेट पर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो प्राइजेस वहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। उसके अलावा मैं ये सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए ये भी वीडियो बनाऊँ कि अगर हम लोग एक ऐसी वीडियो को शूट करें जिसमें मैं आपको बताऊं टॉप 10 जीपीयू अंडर 10 to 20,000 या टॉप 10 जीपीयू अंडर 20 to 30,000। ये मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो बनाई जाए नहीं, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि 10 से 20,000 रुपये की रेंज में या 1,000 से 20,000 रुपये की रेंज में कौन सा ऐसा जीपीयू जो आपको गेमिंग के लिए बाय करना चाहिए, एडिटिंग के लिए बाय करना चाहिए। और वहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस भी शूट कर लेंगे जिसके अंदर ये होगा कि ये वाला कार्ड आपको बाय नहीं करना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उसके अलावा प्रोसेसर्स की बात कर ली जाए तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर हमारे पास पड़े हुए हैं, मैं वो भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो यार अब अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ प्रोसेसर्स की स्टोरी, तो भाई आप लोगों को प्रोसेसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसमें i3 4K सबसे ज़्यादा है, i3 1st पड़े हुए हैं, i5 7, i5 8, i5 6, i7 6, i5 4, 3rd 2nd, i7 2nd, 3rd 4th, ये आपको सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग स्टॉक में चीज़ें खरीदना चाह रहे हो या आप PC तैयार भी करवाना चाह रहे हो तो वो आप लोग को बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल जाएंगी। प्लस अगर आप लोग NVM 256 वाली बाय करना चाहते हो, 128 वाली बाय करना चाहते हो, या DDR4 की रैम हार्ड, DDR4 की 8 GB की रैम, 4 GB की रैम बाय करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। 16 GB की रैम आपको मिल जाएगी, DDR3 में आपको 4, 8, 16 इनकी भी रैम, 4, 8 और 1, 2 की भी रैम देखने के लिए मिल जाएगी। प्लस आप लोगों को SSDs मिल जाएंगी, हार्ड डिस्क 1 से 4 TB तक हमारे पास पड़ी हैं, तो 1 TB चाहिए, 2 TB चाहिए, 3 TB चाहिए, 4 TB चाहिए, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। मैंने कहा थोड़ा सा स्टॉक आप लोगों के साथ अपडेट कर दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अब अगर इन सारी चीज़ों की बात करूं तो यार ये आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह अगर आप चाहते हो कि डिलीवर SNY करवा दे तो ये डिलीवर भी हो जाएंगे। अभी मैंने इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड और माउस और हेडफोन्स को कवर नहीं किया, क्योंकि वो अगर आप लोग को गए तो उसकी एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कीबोर्ड में कौन सा स्टॉक आया हुआ है, हेडफोन्स में कौन सा स्टॉक आया हुआ है, ताकि आप लोग के जहन में आ जाएगा कि ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा कन्वर्टर सारे अवेलेबल हैं। अब अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ यार, तो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी पाकिस्तान में, अगर आप किसी भी जगह चाहते हो कि डिलीवर हो जाए। और अगर डिलीवरी करवाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स के अंदर आके आप ऑर्डर को बुक करवा सकते हो। तो प्राइजेस का जो है वो थोड़ा बहुत मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि अभी रेट्स चेंज हो रहे हैं, तो किसी चीज़ में हमें फोर्सली रेट को चेंज करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे पास कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास चाइना की जो TVs होते हैं उनका भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जिसमें आपको 24 इंच, 22 इंच और 19 इंच और 20 इंच के अंदर LEDs जो है वो मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो शॉप का एड्रेस आप लोगों के जहन में आता है कि यार एसन भाई ने शॉप का एड्रेस पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ, तो भाई आपके भाई ने शॉप का एड्रेस दे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन की हर वीडियो में मैं दे देता हूँ, वहाँ पर जाओ, गूगल के ऊपर भी है, गूगल के ऊपर भी जाके आप एड्रेस को फाउंड करो, फ्रेंड्स कंप्यूटर एंड मोबाइल, तो ढोकसीदा रोड पे जो हमारी शॉप है उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा। प्लस उसके नीचे नंबर भी है, अगर आप डिलीवर करवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ से मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको आपकी शॉप का एड्रेस भी इजीली मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मैंने थोड़ी रैंडम बनाई, ताकि मैंने कहा आप लोगों को स्टॉक के बारे में बता दूँ कि यार कौन कौन सा स्टॉक हमारे पास अभी इस टाइम अवेलेबल है। तो गेमिंग PC भी हमारे पास अभी सारे अवेलेबल हैं, उसके बाद कार्ड्स भी अच्छे वाले अवेलेबल हैं,
LEDs भी हैं 1080 वाली, 1920x1080 वो भी आपको मिल जाएंगी, सिंपल वाली भी मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हम कोशिश करेंगे बीच में थोड़ा सा टॉपिक और ट्रेंड जो है वो चेंज कर करके वीडियो बनाएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि क्या हम वो वाली वीडियो बनाएं जिसमें 10 to 20 या 20 to 30,000 रुपीज़ के अंदर कौन सा बेस्ट GPU है, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।